हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में आए हुए 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इन 6 महीनों में सुखू सरकार कौन कौन से मोर्चों पर असफल हुई है, कौन कौन से मोर्चों पर अभी तक सुखू सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई है, इसके बारे में आज हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी थी, मगर अब सरकार 1 लाख नौकरी का जिक्र तक करना भूल गई है। इससे राज्य के करीब 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार परेशान हैं। हालांकि शिक्षा विभाग में 5200 टीचरों और कुछ एक विभागों में छिटपुट भर्तियों को जरूर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने हिमाचल की कुल आबादी के 2% से भी कम एनपीएस कर्मचारियों को खुश करने के लिए 70 लाख की जनता पर बोझ लादा है। ओपीएस देने के लिए सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपए बैट लगाया, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ पड़ा, क्योंकि सभी खाद्य वस्तुओं, निर्माण सामग्री इत्यादि की कीमतें जो है वो ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बीते साल ली गई अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में से एक को छोड़कर अधिकांश के अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। ऐसे युवाओं में सरकार के प्रति रोष पनपता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखू 11 मई को 1 सप्ताह के भीतर उन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट निकालने का दावा उन्होंने किया था जो विजिलेंस की जांच से बाहर हैं, बावजूद इसके अधिकांश के रिजल्ट नहीं निकाले जा सके हैं। सुखू सरकार ने इन 6 महीनों में लगभग 900 दफ्तर डिनोटिफाई किए हैं। इनमें से कुछ ऐसे शिक्षण, स्वास्थ्य और दूसरे संस्थान भी बंद कर दिए गए जिनकी आज जरूरत है। इस वजह से सरकार की आलोचना भी हो रही है। इन्हें बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पूर्व सरकार ने चुनाव में लाभ लेने के लिए इन्हें खोला था। 3500 कर्मचारी नौकरी से बाहर किए गए और हिमाचल में पूर्व में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, सभी सरकारों ने काम निकालने के लिए आउटसोर्स पर सस्ते कर्मचारी रखे। इनका जमकर शोषण भी किया गया। सुखू सरकार ने विभिन्न विभागों में ऐसे लगभग 3500 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है। इसके अलावा हिमाचल सरकार गंभीर आर्थिक संकट झेल रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने डिप्टी सीएम, 6 CPS, राजनीतिक एडवाइजर, IT एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर को कैबिनेट रैंक देकर राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला है। खर्चों पर कटौती करने के बजाय अर्थव्यवस्था पर इससे दबाव पड़ा है। हालांकि अब डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में आए हुए 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इन 6 महीनों में सुखू सरकार कौन कौन से मोर्चों पर असफल हुई है, कौन कौन से मोर्चों पर अभी तक सुखू सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई है, इसके बारे में आज हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी थी, मगर अब सरकार 1 लाख नौकरी का जिक्र तक करना भूल गई है। इससे राज्य के करीब 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार परेशान हैं। हालांकि शिक्षा विभाग में 5200 टीचरों और कुछ एक विभागों में छिटपुट भर्तियों को जरूर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने हिमाचल की कुल आबादी के 2% से भी कम एनपीएस कर्मचारियों को खुश करने के लिए 70 लाख की जनता पर बोझ लादा है। ओपीएस देने के लिए सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपए बैट लगाया, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ पड़ा, क्योंकि सभी खाद्य वस्तुओं, निर्माण सामग्री इत्यादि की कीमतें जो है वो ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बीते साल ली गई अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में से एक को छोड़कर अधिकांश के अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। ऐसे युवाओं में सरकार के प्रति रोष पनपता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखू 11 मई को 1 सप्ताह के भीतर उन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट निकालने का दावा उन्होंने किया था जो विजिलेंस की जांच से बाहर हैं, बावजूद इसके अधिकांश के रिजल्ट नहीं निकाले जा सके हैं। सुखू सरकार ने इन 6 महीनों में लगभग 900 दफ्तर डिनोटिफाई किए हैं। इनमें से कुछ ऐसे शिक्षण, स्वास्थ्य और दूसरे संस्थान भी बंद कर दिए गए जिनकी आज जरूरत है। इस वजह से सरकार की आलोचना भी हो रही है। इन्हें बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पूर्व सरकार ने चुनाव में लाभ लेने के लिए इन्हें खोला था। 3500 कर्मचारी नौकरी से बाहर किए गए और हिमाचल में पूर्व में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, सभी सरकारों ने काम निकालने के लिए आउटसोर्स पर सस्ते कर्मचारी रखे। इनका जमकर शोषण भी किया गया।
सुखू सरकार ने विभिन्न विभागों में ऐसे लगभग 3500 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है। इसके अलावा हिमाचल सरकार गंभीर आर्थिक संकट झेल रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने डिप्टी सीएम, सीपीएस, राजनीतिक एडवाइजर, आईटी एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर को कैबिनेट रैंक देकर राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला है। खर्चों पर कटौती करने के बजाय अर्थव्यवस्था पर इससे दबाव पड़ा है। हालांकि अब डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।